कश्मीर में मुजाहरों का सिलसिला जारी, मोदी हुकूमत की तर्दीद, लेकिन गैर मुल्की मीडिया दिखा रहा है कश्मीर में मुजाहरा, आखिर सच क्या है? दी न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में शाये बीबीसी की तस्वीरों में दिखाया गया कि आर्टिकल 370 बदले जाने के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग मार्च कर रहे हैं, सड़कें मुजाहरीन से भरी हुई हैं। मरकज की मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा होने की खबरों की तर्दीद की है और इस तरह की खबरों को गलतफहमी पैदा करने वाला बताया है, लेकिन दी न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में शाये बीबीसी की तस्वीरों में दिखाया गया है कि कश्मीर का दर्जा आर्टिकल 370 बदले जाने के खिलाफ हज़ारों की तादाद में लोग मार्च कर रहे हैं, सड़कें मुजाहरीन से भरी हुई हैं और कुछ सड़कों पर ईंट और पत्थर बिखरे पड़े हैं जिसे मुजाहरीन ने फेंके हैं। बीबीसी उर्दू ने 10 अगस्त को एक वीडियो नशर किया जिसमें मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। हुकूमत ने इससे इनकार किया, लेकिन बीबीसी अपनी रिपोर्ट पर कायम है। मरकजी वजारत दाखिला ने भी राइटर की एक रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत ठहराया है। जब श्रीनगर में पाबंदियों में ढील दी गई तो 10,000 लोग एहतजाजी मुजाहरे के लिए सड़क पर उतर आए थे। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि राइटर के जरिए जारी ये रिपोर्ट दरअसल असल डॉन में शाई हुई जिसमें श्रीनगर में गुज़िश्ता जुमा को 10,000 लोगों के एहतजाजी मुजाहरे का दावा किया गया है। वजारत दाखिला हिंद ने एक ट्वीट में इस ताल्लुक से कहा कि ये पूरी तरह गलत है। श्रीनगर बारामूला में कुछ छोटे मोटे एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं जिसमें 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं थे। वाज़ह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुमा को वादी कश्मीर में सैकड़ों मर्दों और ख्वातीन को एहतजाजी मुजाहरा करते हुए दिखाया गया है और श्रीनगर में एक सड़क पूरी तरह ईंट और पत्थरों से भरी पड़ी है, जबकि वाशिंगटन पोस्ट ने दिखाया है कि ये पीर को ईद की नमाज के बाद सड़क मुजाहरीन से भरी हुई थी। आमना सामना मीडिया आपको ये रिपोर्ट, आपको ये खबर कौमी आवाज़ के तवसुस से दिखा रहा है और हमने ये खबर कौमी आवाज़ उर्दू से हासिल की है। हम कौमी आवाज़ के शुक्रगुजार हैं।